गाड़ी बंद कर लो। तो बोल यार आगे वाले को, मुझे मोबाइल है उसको बोल थोड़ा साइड में जाएगा। से उतरकर संसद भवन की ओर अग्रसर हो रहा है। लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन, जहां पर आज देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी, जिनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है, आशा की किरण लेकर आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। एक महत्वपूर्ण अवसर है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी की। आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है, और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है। दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है, न सिर्फ सांसदों को लेकिन आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी का आज पहला उद्बोधन हो रहा है। और हमारे संसदीय कार्य में गत 6-7 दशक से जो परंपराएं विकसित हुई हैं, उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया सांसद जब पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़े उस प्रकार से एक सानुकूल वातावरण तैयार करता है, एक उज्जवल और उत्तम परंपरा है। भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है, और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए, और मुझे विश्वास है बहुत ही अच्छी तरह से पहुंच रहा है। वर्षों पुराना संसद भवन, लेकिन उसकी पहुंच रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से, राष्ट्रपति का काफिला संसद भवन की ओर पहुंचता हुआ, और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद हैं, और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री। राष्ट्रपति के कक्ष में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज ठीक 11 बजे से होगी संसद के बजट सत्र की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण
आज हम सुनेंगे, देखेंगे और उनका काफिला संसद भवन परिसर में पहुंच चुका है। केंद्रीय कक्ष की ओर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रवाना होंगी और अपने पहले अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत करेंगे। इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कक्ष की ओर प्रस्थान करते हुए कई मायनों में संसद का ये बजट सत्र अपने आप में काफी अहम रहेगा। माना जा रहा है कि जो केंद्रीय कक्ष, जो संसद भवन है, वहां ये अंतिम सत्र हो और अगला सत्र हमें नए संसद भवन में देखने को मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण आज तमाम सांसदों के बीच संयुक्त बैठक को अब से कुछ ही देर में वो संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण जाहिर तौर पर सरकार की नीतियों का विवरण और इस नजरिए से ये देश की सोच और विकास की दिशा को नागरिकों के सामने रखने वाला एक अहम संसदीय दस्तावेज और राष्ट्रपति के रूप में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण। माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी,